दोस्तों जी पोर्टल पर आपके लिए काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ एप्लीकेबल है हो सकता है काफ़ी फंक्शनलिटीज़ ऐसी हो जिनके बारे में आप जानते हों और कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हों जिनके बारे में अभी आपको नहीं पता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेंट टेक्सपीयर विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर अ पैन यूजिंग न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर तो एप्लीकेशन एप्लीकेंट एक्सपियर्स को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप नया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं आर वन क्यों नहीं अलाउ किया जाएगा क्यों ब्लॉक किया जाएगा इफ़ द थ्रेशोल्ड ऑफ द सैड पैन बेस्ड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर आपका पैन बेस्ड एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड जी एस टी एन विद द सेम पैन यानी कि उस पैन पे अगर आपके दूसरे भी रजिस्ट्रेशन uh, आपने लिए हुए हैं अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और आपका जो पैन बेस्ड एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा आ रहा है तो आप कम्पोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये एप्लीकेबल होगी उन टैक्स पेयर को एट द फाइल फाइलिंग ऑफ सी एम पी ज़ीरो टू के द्वारा भी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो भी ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी अगर आपका पैन बेस्ड एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर लिमिट से ज़्यादा है जो कि आपकी डेढ़ करोड़ या पिचत्तर लाख विच एवर इज़ एप्लीकेबल अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो अगर आप ऑलरेडी कॉम्पोजिशन में रजिस्टर हैं और आपका टर्न ओवर लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपके लिए मुश्किलें आ सकती है अपना एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर आपको जी एस टी पोर्टल पर ही दिखाई देगा डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है आप उसे चेक कर सकते हैं कुछ चेंजेस अगर आपका आप उसको करना चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पोर्टल सही नहीं दिखा रहा है तो आप उन चेंजेस के लिए भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो मेन है कि आपका जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कई बार अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं आप क्यू आर एम पी में जाना चाहते हैं तो पाँच करोड़ से नीचे आपका टर्न ओवर होना चाहिए तभी आप ऑप्ट कर सकते हैं तो वो करेक्ट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार स्कीम्स भी जी एस टी के अंदर पास में भी आई हैं एमनेस्टी स्कीम्स या इस तरह के अगर कोई बेनिफिट्स आते हैं जहाँ पर टर्न ओवर बेसिस पर भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपका टर्न ओवर करेक्ट नहीं होगा पोर्टल पर तो आपके लिए मुश्किलें आ सकती हैं तो अपना एनुअल एग्रीगेट टर्न जो पोर्टल पर है उसे चेक कीजिए करेक्ट कीजिए अगर वो रोंग आ रहा है तो वही चीजें बताई गई है कि वेन द थ्रेश होल्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज एक्सीड कर रहा है अगर आपका फॉर अ आपको एक अलर्ट भेजा जाएगा फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट देयर एंड द टेक्सपेयर कैन अप्लाई टू ऑप्ट आउट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम तो अगर आपका थ्रेड लिमिट को क्रॉस कर रहा है टर्न तो आपके पास अलर्ट जाएगा और उसके बाद आप ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पैन बेस्ड एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर किस बेस पर कंप्यूट किया जा रहा है जो आपने टर्न ओवर डिक्लेयर किया है सी एम पी ज़ीरो एट में या फिर थ्री बी में बाय द कॉम्पोजिशन और नॉर्मल टैक्स पेयर इन द इमीडिएटली प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल्सो फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर कॉम्पोजिशन वालों के लिए सी एम पी ज़ीरो एट का डाटा लिया जा रहा है और नॉर्मल के लिए थ्री बी का